الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیو, ابھی ہمارے نو نہال نے, ہمارے عزیز نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی, اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی. اس آیت کریمہ میں چاند کا مسئلہ ہے اور مغربی دنیا میں یہ مسئلہ جھگڑے کا مسئلہ ہے, تو کیوں نہ آج کی صحبت میں اس آیت پاک کی تفسیر ہی کیوں نہ سمجھے. آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ, شان نزول, یہ آیت پاک کیوں نازل ہوئی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ سورج ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے, چاند ہمیشہ ایک حال پر کیوں نہیں رہتا, مہینے کی تین راتیں بدل کامل ہوتا ہے, 13, 13ویں رات, 14ویں رات اور 15ویں رات فل مون ہوتا ہے, پھر کٹنا شروع ہوتا ہے, گھٹتا گھٹتا برائے نام رہ جاتا ہے, پھر بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے, پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح سے دوبارہ نمودار ہوتا ہے. یہ مہینے کی پہلی تاریخ کہلاتی ہے اور اسی کو عربی میں ہلال کہتے ہیں, اردو میں, انگریزی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں. مون, مون تو چاند, چاہے وہ کسی تاریخ کا ہو مون ہے, اور ہلال ہر تاریخ کا ہلال نہیں, مہینے کی جو پہلی تاریخ کا چاند ہے جو کھجور کی ٹہنی کی طرح سے پتلا سا, یہ جو کھجور مہینے کا پہلا یہ ہلال ہے, پھر آگے ہلال نہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس میں یہی کہیں کہ پہلی تاریخ کا مون کہہ لیں, شروع کا مون کہہ لیں, ایسا کچھ بڑھائیں گے, باقی مون ہلال کا ترجمہ نہیں. ہلال کا ترجمہ, ہلال عربی کا خاص لفظ ہے مہینے کا پہلا چاند, پھر وہ بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, پھر 13 تاریخ 13 14 15 میں فل مون ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, جیسا سورج ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے چاند ایک حال پر کیوں نہیں رہتا, یہ ایک سوال تھا. آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں. یہ جو سوال ہے, اس سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں پوچھا صحابہ نے, یہ بات کیوں پوچھی؟ آپ حضرات کو تفصیل تھوڑی بہت معلوم بھی ہوگی, زیادہ تر معلوم نہیں ہوگی. عرب کا ملک نہایت گرم ملک ہے, جیسے یہاں آپ کے یہاں 8 مہینے سردی رہتی ہے, برف پڑی رہتی ہے, ایسا وہاں 8 مہینے سخت گرمی رہتی. عرب کا ملک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, مٹی
मिट्टी में संग्रेजे मिले हुए हैं, कहीं भी ढेला आपको नहीं मिलेगा। ढेला नजर आए यूं पकड़ोगे तो बूर देखे भी कर जाएगा, क्यों ये जो पत्थर जो पत्थर मिले हुए संग्रेजे मिले हुए। और अरब में पैदा कुछ नहीं होता, मदीना मुनव्वरा में ताइफ में कुछ पैदा होता है, लेकिन वो पूरे मुल्क की जरूरत को पूरी नहीं करता, और बाकी जगह तो कुछ है ही नहीं, पैदा ही नहीं होता। इसलिए उनकी मईशत इकोनॉमी, उनकी मईशत का मदार, एक सफर करके शाम जाते थे सीरिया, और एक सफर करके यमन जाते थे, एक सफर सर्दी में करते थे, एक गर्मी में करते थे, और वहां से गल्ले वल्ले खरीद कर लाते थे, खाते थे। उस मुल्क में ऊंटों पर सफर होता था, घोड़े भी होते थे, मगर घोड़ों पर लंबा सफर नहीं होता है, ऊंटों पर लंबा सफर होता है। वो शिप ऑफ डिजर्ट कहलाता है, बयाबान की कश्ती ऊंट कहलाता है। सुबह 9 बज गए, अब सफर नहीं कर सकता, अब ऊंट के पैर जलेंगे, जमीन गर्म हो गई। 9 ज्यादा से ज्यादा 10 बजे सफर रोक देना है, और शाम को असर की नमाज के वक्त में जब समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं शुरू चलनी शुरू होती हैं और मौसम ठंडा हो जाता है, तब सफर शुरू होगा। तो वह दिन भर सफर नहीं हो सकता, अब उसकी तलाफी रात में सफर होगा, रात भर सफर होता रहेगा। कहीं सोने के लिए जब थक हार जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए पड़ाव कर लेंगे सोने के लिए, वरना सोना है दिन में और रात भर सफर करना है। अब आप और कीजिए, 13, 14 और 15 में जैसा फुल मून होता है, अगर ऐसा पूरा महीना चांद रहे तो सफर करने में कितना मजा है। यहाँ तो क्लाउडी दिन होता है, क्लाउडी आसान बिल्कुल साफ शफाफ क्लीन आसमान होता है। आप चांद की रोशनी में 13, 14 के चांद की रोशनी में बड़े हरफ की किताब वो पढ़ भी सकते हैं, उस चांद की रोशनी में धागा सुई में डाल सकते हैं, इतनी साफ शफाफ चांद की रोशनी होती। अब इतनी उम्दा चांद की रोशनी अगर महीना भर चांद एक हालत पर रहे तो उन लोगों को रात में सफर करने में कितना मजा आएगा, कितना शानदार। जैसे दिन में सूरज एक हालत पर है तो दिन में काम करने में कितना लुत्फ आता है, कोई परेशानी नहीं, कोई बत्ती नहीं जलानी, कुछ नहीं करना, खेतों में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो अगर रात में चांद एक हालत पर रहे पूरा महीना तो सफर में मजा आ जाए। ये था बैकग्राउंड जिसकी वजह से उन्होंने मसला पूछा था कि सूरज जैसा, इसकी वजह से उन्होंने मसला पूछा था कि सूरज जैसा एक हाल पर रहता है, चांद एक हाल पर क्यों नहीं रहता। अगर सूरज की तरह से चांद भी एक हाल पर रह जाता तो कितना लुत्फ आता रात के सफर में। आयत पाक नाजिल हुई, फरमाया लोग आपसे पूछते हैं, यस अलूनका, लोग आपसे पूछते हैं हिलालों के बारे में, एक हिलाल और अहिल्ला उसकी जमा, हिलालों के बारे में। ये जो प्लूरल है हिलालों, इसको याद रखिए, इसमें नुक्ता है। लोग आपसे पूछते हैं हिलालों के बारे में, नए महीने के नए चांद के बारे में नहीं, महीने के नए चांदों के बारे में। इसमें इशारा है कि हिलाल सारी दुनिया में एक नहीं होगा, इसमें इशारा है कि हिलाल सारी दुनिया में एक नहीं होगा। अगर सारी दुनिया में हिलाल एक होगा तो हिलाल एक होगा, जमा लाने की कोई जरूरत नहीं। इसमें साफ इशारा है, अगर मोटी सी अकल भी कोई रखता है तो समझ सकता है कि हिलाल सारी दुनिया में एक नहीं होगा, अगर सारी दुनिया का हिलाल एक होगा तो जमा लाने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल फरमाया लोग आपसे पूछते हैं चांद महीने के पहले चांदों के बारे में।
आप उनको जवाब दीजिए। ये जो महीने के पहले चांद हैं, एक नहीं चांद जमा, महीने के जो पहले चांद हैं, ये लोगों के लिए औकात मुकर्रर करते हैं और हज के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। लोगों के लिए औकात मुकर्रर करते हैं, मवाकीत मीकात की जमा है, औकात और मीकात एक ही लफ्ज है। ये लोगों के लिए औकात हैं और हज के लिए वक्त है। यानी ये जो नए महीने के नए चांद हैं, ये लोगों के लिए औकात मुकर्रर करते हैं और हज के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। इसमें बहुत मोटी सी बात गौर करने की है कि हज को अलग क्यों किया। मवाकित लिन्नास काफी हो गया था, हज को अलग क्यों किया? इसलिए हज उसको अलग किया कि महीने के जो नए चांद हैं वो सारी दुनिया के लिए अलग अलग तारीखें मुकर्रर करेंगे। कमरी महीने सारी दुनिया में अलग अलग शुरू होंगे, मगर हज में अलग अलग लोग, हर मुल्क के लोग अपनी कमरी तारीखों पर आकर हज नहीं करेंगे, बल्कि मक्का मुकर्रमा का जो हिलाल है उस हिलाल से जिलहिज्जा की पहली बनेगी और फिर जो जिलहिज्जा की नौ बनेगी उस नौ में सारी दुनिया के मुसलमान अपनी अपनी तारीखें छोड़कर इस तारीख में आकर एक साथ हज करेंगे। सिर्फ एक ही ऐसा है कि जिसमें पूरी दुनिया एक तारीख में, और उनको अपनी मकामी तारीखें सबको छोड़ देनी है और एक मुअय्यन दिन में सबको आकर हज करना है। इस हज के मसले को एक्सेप्ट करने के बाद में दीगर जितने मामलात हैं, उन मामलात में ये जो महीने के शुरू के चांद हैं वो लोगों के लिए औकात मुकर्रर करेंगे। हर मुल्क के लोग, हर जगह के लोग, उन लोगों के लिए ये चांद औकात मुकर्रर करेंगे, सिर्फ हज के लिए एक वक्त मुकर्रर करेंगे। ये चांद हज के लिए एक मुअय्यन वक्त मुकर्रर करेंगे, बाकी सब मामलात में हिलाल अलग अलग होंगे। मेरे भाइयों, कैलेंडर दो बनते हैं, सूरज का भी कैलेंडर बनता है, चांद का भी कैलेंडर बनता है। सूरज का कैलेंडर हर आदमी नहीं बना सकता। जो फलकियात ऑब्जर्वेटरी पढ़ा हुआ है वो बना सकता है, और अंग्रेजी जनवरी फरवरी जो कैलेंडर बने हुए हैं और इस पर एक गिर हिसाब है। आप 1000 साल का कैलेंडर बनवा लीजिए, 24 घंटे में आपको 1000 साल का कैलेंडर बनाकर दे दें, और बनाएगा हिसाब जानने वाला, हर आदमी नहीं बना सकता। और चांद का कैलेंडर पीर साहब का लड़का भी बना सकता है। चांद का कैलेंडर पीर साहब का लड़का, जाहिल लड़का भी बना सकता है चांद का कैलेंडर। ये पीर साहब थे बड़े, उनका एक जाहिल जट लड़का था। जब पीर साहब का इंतकाल होने लगा तो लड़के ने अब्बा से कहा कि अब्बा आप तो मर रहे हैं, मेरा पीछे क्या होगा? तो पीर साहब ने कहा, देख भाई, मुरीद एक तो तारीख पूछने आते हैं कि आज कितनी तारीख है, और एक मसला पूछने आते हैं, तो तू ऐसा कर लीजिए, जब महीने का नया चांद नजर आए तो घर में एक कटोरा रखकर उसमें बकरी की एक मेहंगी डाल दीजिए, दूसरी रात में दूसरी डाल दीजिए, तीसरी रात में तीसरी डाल दीजिए, और जब कोई तारीख पूछने आए कि आज कितनी तारीख है तो मैंगनिया गिन कर बता दीजिए कि आज इतनी तारीख है, और जब फिर चांद खत्म हो जाए और अगला नजर आए तो कटोरा खाली कर दीजिए, फिर खाली कटोरे में एक एक मैंगनी डालनी शुरू कर दीजिए,
और कोई मसला पूछने आए तो ये कहिए भाई इस मसले में इख्तिलाफ है, देवबंद दारुल इफ्ता से पूछो। ये दो तरकीबें बता दी अब्बा ने। उसके बाद अब्बा तो प्यारे हो गए अल्लाह को, बेटे ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। एक दिन इत्तिफाक से घर में बकरी घुस गई और ठीक वो कटोरा जहां रखा था वहीं मैंगनी कर दी, तो वो सारा कटोरा मैंगनी से भर गया। अब एक मुरीद आया, उसने कहा पीर जी आज कितनी तारीख है, तो अंदर जाकर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29, 30। और अभी तो बहुत सारी मैंगनियां बाकी और वो 30 से आगे गिनना ही नहीं जानते। उन्होंने फिर जमा कर ली, फिर गिनी। फिर बहरा जब थक गए तो आकर कहा भैया आज इतनी तारीख है कि गिनी नहीं जा रही। और जब कोई मसला पूछने आता तो हर एक से कहते भी मसले में इख्तलाफ है, देवबंद दारुल इफ्ता से पूछो। एक बनिया आया मुसलमान होने के लिए, उसने कहा पीर जी मैं मुसलमान हूं, मुझे कलमा पढ़ा दो, तो आप कहते हैं मसले में इख्तलाफ है, देवबंद दारुल इफ्ता से पूछो। वो कलमा भी नहीं आता था उसको पढ़ा दो, मसले में इख्तलाफ वहां से पूछो। तो मैं ये कह रहा था कि चांद का कैलेंडर इतना आसान है कि पीर साहब का जाहिल लड़का भी उसका कैलेंडर बना सकता है, कब महीना शुरू हुआ, कौन सी तारीख है, महीना कब खत्म हुआ, अगला कब शुरू हुआ, उसके लिए किसी हिसाब की जरूरत नहीं। और सूरज का कैलेंडर बनाने के लिए जो हिसाब जानता वही बना सकता, हर एक नहीं बना सकता। शरीयत ने कुछ अहकाम सूरज के साथ मुताल्लिक किए और कुछ अहकाम चांद के साथ मुताल्लिक किए। जो अहकाम चांद सूरज के साथ मुताल्लिक किए हैं उनमें भी हिसाब नहीं, आंख से देखो अमल करो। जो अहकाम चांद से मुताल्लिक किए हैं हिसाब नहीं, आंख से देखो अमल करो। जो अहकाम चांद सूरज के साथ मुताल्लिक किए हैं उनमें भी हिसाब नहीं, आंख से देखो अमल करो। जो अहकाम चांद से मुताल्लिक किए हैं हिसाब नहीं, आंख से देखो अमल करो। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत इतनी बड़ी है कि अगर दरख्तों के पत्ते गिने जा सकते हैं तो हुजूर की उम्मत गिनी जा सकती है, अगर रेत के जर्रे गिने जा सकते हैं तो हुजूर की उम्मत गिनी जा सकती है। और रहती कहाँ है, कोई पहाड़ों में रहते हैं, कोई जंगलों में रहते हैं, कोई बयाबानों में रहते हैं, कोई देहातों में रहते हैं, कोई शहरों में रहते हैं, कहाँ कहाँ मुसलमान रहता है कोई नहीं जानता है। अब अगर उनको कहा जाए कि सूरज का हिसाब और चांद का हिसाब हुजूर की उम्मत के लिए नाकाबिल अमल है, हिसाब पर हुजूर अमल नहीं हो सकता, वो इतनी बड़ी उम्मत है। इसलिए जो अहकाम सूरज से मुताल्लिक किए हैं कोई हिसाब नहीं, आंख से देखो और अमल करो। जो अहकाम चांद से मुताल्लिक किए हैं कोई हिसाब नहीं, आंख से देखो और अमल करो। वो अहकाम जिसको जिसको गर्दिश नहीं करवानी, राउंड नहीं लेना, उनको सूरज से मुताल्लिक कर दिए। और जो अहकाम राउंड लेने हैं, जैसे रमजान शरीफ है, इसका राउंड लेना मकसूद है, क्योंकि अगर ये हमेशा गर्मी ही में रमजान आता रहे तो परेशानी, हमेशा सर्दी ही में आता रहे तो कोई मशक्कत नहीं, तो रमजान पूरे साल में राउंड लेकर, और नमाजें 5 पढ़नी है उसमें क्या राउंड लेना है, सुबह दोपहर शाम मगरिब ईशा नमाजें पढ़ो,
तो जो अहकाम ऐसे हैं जो जिनका दौरान मतलूब नहीं है, दौरान माने राउंड लेना, जिनका दौरान मतलूब नहीं है उसको सूरज के साथ जोड़ दिए। अंग्रेजी कैलेंडर फिक्स रहता है, वो घूमता नहीं, हमेशा जून जुलाई गर्मी में आएंगे, दिसंबर जनवरी सर्दी में आएंगे, वो घूमता नहीं। और रमजान हर सीजन में आता है। और हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का जो कैलेंडर है, पोष माघ जेठ चेत, वो भी चांद का है, वो भी चांद का कैलेंडर है, मगर उन्होंने फिक्स करने के लिए हर तीन साल में एक साल बढ़ा देंगे, 13 महीने कर देंगे और वो महीने अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे। इस्लाम से पहले ये जो मुहर्रम सफर महीने हैं, ये भी चांद के महीने हैं, इनमें अरब भी यही करते थे और उनके महीने उन्होंने रोक दिए थे, राउंड नहीं लेता, पूरे साल में राउंड नहीं चलता था। और रमजान की लफ्ज रमजान के माने हैं वो जमाना जिसमें पत्थर निहायत गर्म हो जाते हैं, तो रमजान निहायत गर्मी में आता था हमेशा, और हर तीन साल में एक कबीसा का महीना बढ़ाते थे। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, में उसकी तरबीत है। इस्लाम ने आकर सिस्टम खत्म कर दिया, जब वो 13वां महीना निकल गया तो कमरी साल घूमने लगा। बहरहाल कुछ अहकाम ऐसे हैं कि शरीयत उसमें दौरान चाहती है, राउंड लेता रहे, साल के हर सीजन में वो इबादत हो। और कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जिसमें ये चीज मतलूब नहीं, ऐसी इबादतें जिनमें दौरान मतलूब नहीं है उसको सूरज के साथ जोड़ दिया। पांच नमाजें हैं, सूरज के एतबार से पढ़नी है, चांद का कोई एतबार नहीं। और वो अहकाम जो घुमाने हैं पूरे साल में घुमाने, उनको चांद से मुताल्लिक कर दिया, जैसे रमजान उसको चांद से मुताल्लिक कर दिया, ताकि पूरे साल में हर सीजन में रमजान आए। सूरज से जो अहकाम मुताल्लिक हैं, जैसे नमाज, मेरे ख्याल में नमाज ही एक ऐसा हुक्म है जो सूरज से मुताल्लिक किया गया है, उसको कोई हिसाब नहीं। मस्जिद में देखो, जब सुबह सादिक हो और पो फटे और लाल धारी नमूदार हो गई, सुबह सादिक हो गई, पढ़ो बजर की नमाज। घड़ी में कितने बजे हैं बजने दो, सूरज निकला, ऊपर का कनारा नमूदार हो गया, सूरज तुलू हो गया, नमाज स्टॉप करो, फजर का वक्त खत्म। फिर सूरज निकलेगा, हर चीज का साया वेस्ट की तरफ लंबा होगा, जो जो सूरज ऊंचा जाएगा साया घटता 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 घटता, एक हाथ पे जब सर पर आ जाएगा तो साया रुक जाएगा, और जब सूरज ढलेगा तो साया मशरिक की तरफ बढ़ना शुरू होगा। ये मशरिक की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जवाल हो गया, चलो जोर पड़ो। फिर साया असली छोड़कर हर चीज का साया उसके मानिंद हो जाए, तो हजरत तीन इमामों के नजदीक और हमारे साहिबेन के नजदीक जोर का वक्त खत्म हो गया, और इमाम आजम के नजदीक अभी जोहर का वक्त खत्म नहीं हुआ। असली साया छोड़कर हर चीज का साया दो मानिंद हो जाए, अब जोहर का वक्त खत्म हुआ। यह इख्तिलाफ हो गया, इमामों में इख्तिलाफ हो गया। और जब भी जोहर का वक्त खत्म हुआ, फौरन असर का वक्त शुरू। अब हर चीज को देखना कि उसका साया उसके मानिन हुआ नहीं हुआ, हर चीज को छोड़ अपना ही साया देखो कितना लंबा हुआ है। हम भी तो एक चीज है, क्यों भाई क्या हो रहा है, क्यों इसको बेचारे को परेशान कर रहे दरवाजे को, हर चीज को तो छोड़ो, हम खड़े हो जाओ, हमारा साया देखो कितना लंबा हुआ, तो फौरन पता चलेगा। और सूरज डूबने लगा, डूबने लगे, ये आखिरी किनारा गया, असर का वक्त खत्म। आंख से देखो, वो जो सूरज गया उसकी रोशनी ऊपर कब तक है, वहां तक मगरिब पढ़ो, और ये बिल्कुल सुर्खी भी खत्म, सफेदी भी खत्म, ईशा का टाइम शुरू हो गया, सुबह शादी तक ईशा पढ़ते रहो,
कोई हिसाब नहीं है, कोई घड़ी नहीं चाहिए, कोई आला नहीं चाहिए, कोई घड़ी नहीं चाहिए, कोई आला नहीं चाहिए, कोई हिसाब नहीं है। आंख से देखकर पांचों नमाजें, आंख से देखकर औकात का अंदाजा करके पढ़नी। ये एक सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाजों के औकात में जंत्रियों का एतबार क्यों करते हैं और चांद में हिसाब का एतबार क्यों नहीं करते, रमजान में हिसाब का एतबार क्यों नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाजों के औकात के लिए जंत्रियां बनाई जाती हैं और उसके एतबार से अजानें दी जाती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं। चांद के मसले में रमजान के लिए हिसाब का क्यों एतबार नहीं किया जाता? उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि नमाजों के औकात में जंत्रियों का कोई एतबार नहीं। तो लोगों ने अपनी सहूलियतें बनाई, जिन देहातों में जिन जंगलों में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके पास न घड़ी है न जंत्री है, वो भी सब नमाजें पढ़ रहे। ये समझना चाहिए कि इस पर एतबार नहीं। और अगर फर्ज करो जंत्री कहती है कि 5:07 पर सूरज निकलेगा, तुलू होगा, और मैं देख रहा हूं कि 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी और सूरज निकल आया है, तो मुझे जो नजर आ रहा है इसका एतबार, इस जंत्री का एतबार नहीं है। मेरी घड़ी कहती है कि अभी सूरज निकलने में 7 मिनट बाकी है और मुझे आंखों से नजर आ रहा है सूरज निकल आया है, घड़ी का एतबार नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है उसका एतबार। इस मसले को समझ लेना चाहिए कि नमाजों के औकात में जंत्रियां लोगों ने अपनी सहूलत के लिए बनाई है। इस मसले को समझ लेना चाहिए कि नमाजों के औकात में जंत्रियां लोगों ने अपनी सहूलत के लिए बनाई है, मदार उस पर नहीं। चांद में भी यही, हमारे आपके यहाँ तो इसका है नहीं, हिंदुस्तान में जो जंत्रियाँ बनती हैं खास तौर पर हमारे यहाँ गुजरात में बनती हैं, एक गत्ता होता है उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते लगाते हैं, रोजाना एक एक पत्ता फाड़ते हैं, उसमें 3 तारीखें होती हैं, सबसे ऊपर हिंदी होती है, सबसे ऊपर हिंदी होती है, उसके बाद दाएं हाथ पर अरबी तारीख होती है मुहर्रम सफर, बाएं हाथ पर अंग्रेजी तारीख होती है, रोजाना एक एक पत्ता फाड़ते हैं। वो मून साइटिंग का लिहाज करके वो जंत्री बनती, न्यू मून नहीं, मून नजर आने के काबिल हो जाए इसका लिहाज करके वो जंत्रियां बनती हैं। और 12 महीने में से तकरीबन 9-10 महीने ऐसा ही होता है जैसा जंत्रियां बनी हुई है ऐसा ही चांद नजर आता है, लेकिन कभी कभी साल में एकाध महीना उसके खिलाफ हो जाता है। उसने 29 लिखा है और 29 को चांद नजर नहीं आता है, उसने 30 लिखा है और 29 को चांद नजर आ जाता है। साल में 1 या 2 महीने वो बनी हुई जंत्रियां गलत हो जाती है और ऐसी सूरत में मुसलमान उन जंत्रियों का एतबार नहीं करते। वो कहता 30 तारीख को महीना पूरा होगा और 29 को चांद नजर आ गया तो मुसलमान को जरूरत हुई उसी पर एतबार है, तारीख गलत हो। तो ऐसा अगर लोग एक अंदाजा करने के लिए चांद की तारीख से बनाए तो बनाओ, मगर मदार नहीं उस पर। ऐसे सूरज की जंत्रियां बनाओ बनाओ, मगर मदार नहीं उस पर। मदार सूरज में भी आंख से देखने पर है, घड़ी पर मदार नहीं है, हिसाब पर मदार नहीं है। ऐसे चांद के मामले में जो जो अहकाम चांद के साथ मुताल्लिक किए गए हैं उनमें भी आंख से देखने पर मदार है, हिसाब पर मदार नहीं है। लोग अपनी सहूलत के लिए मून साइटिंग से जंत्री बना लो, कौन मना करता है, लेकिन अहकाम का मदार उस पर नहीं है, अहकाम का मदार चांद देखने पर। वो जो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है हदीस में के नहनु उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुबु वला नहसुबु, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत ना खानदा है, यानी मेजोरिटी
आज भी जमाना तरक्की करता करता कहीं से कहीं पहुंच गया है, लेकिन आज भी हुजूर की उम्मत की मेजोरिटी नाखानदा है। 80% बल्कि उससे ज्यादा 90% मुसलमान आज भी नाखानदा है। नाखानदा यानी ये ऑब्जर्वेटिव नहीं जानता। नाखानदा का मतलब उर्दू अंग्रेजी फारसी किताब पढ़ नहीं सकता, ये मतलब नहीं नाखानदा का। ला नक्तुबो वाला ना सुबो, ला नक्तुबो वाला ना सुबो, ना खानदा का मतलब ये है कि हम लिखना नहीं जानते और हिसाब करना नहीं जानते। आज वो सारे मुसलमान उर्दू बोलते हैं, तालिब इस्लाम पकड़ा दो पढ़ नहीं सके, उससे कोई हिसाब पूछ लो किसी का हिसाब नहीं बता सके, या उर्दू बोलते हैं। आज भी उम्मत की मेजोरिटी 80% या 90% की सूरत हाल ही है। बस ऐसी सूरत में जो अहकाम शरीयत नाजिल करती है वो मेजोरिटी का लिहाज करके अहकाम नाफिज करती है, कुछ खास बंदों का लिहाज करके अहकाम नाजिल नहीं होते। ये भी एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। बरतानिया में और इस मुल्क में कुछ मुसलमान माहिरीन हैं हिसाब के, वो ये कहते हैं कि वो 1400 साल पहले का जमाना था, ऊंटों का जमाना था, जंगलों जंगली लोगों का जमाना था, अब हम अमेरिका एडवांस हो गए हैं, हम लिखना पढ़ना जानते हैं, हिसाब जानते हैं। अरे कितने जानते हो? हम हिसाब जानते हैं, लिखना पढ़ना जानते, कितने जानते हो? कितने फीसद हो ये बताओ? शायद 1% भी नहीं निकाल सकते, पूरी दुनिया में से 1% भी तो ऑब्जर्वेटरी के माहिर मुसलमान नहीं ला सकते हो। तो शरीयत अहकाम का मदार ऐसी चीज पर कैसे रखेगी? आसाम के जंगलों में जो मुसलमान रहते हैं वो कौन से अमेरिका के साइंसदान को बेचारे पूछने जाएंगे कि रमजान कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है? वो तो अपने आंगन में खड़ा होकर देखेंगे कि चांद दिखा या नहीं दिखा, रमजान शुरू कर दिया, दूसरा चांद देखा रमजान खत्म कर दिया, वो अमेरिका के साइंसदानों से कहां पूछने जाएंगे। और आज भी दुनिया का आधी दुनिया ऐसी है जिसका दूसरी दुनिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ये रूस है, ये चाइना है, इंडिया से दोनों लगे हुए हैं। इंडिया और रूस के दरमियान में सिर्फ हिमालय के पहाड़ हैं, और हिंदुस्तान का बॉर्डर तिब्बत में चाइना से लगा हुआ है, लेकिन टेलीफोन भी नहीं आ सकता, यहां से टेलीफोन उधर नहीं जा सकता, उधर से टेलीफोन इधर नहीं आ सकता। उस दुनिया में क्या हो रहा अल्लाह जाने क्या हो रहा है। कहते हैं चाइना में 16 करोड़ मुसलमान हैं, चाइना में 16 करोड़ मुसलमान है, और एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां सिर्फ अरबी ही बोली जाती है, और हम कुछ भी नहीं जानते उनका, वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, वो हज में भी बेचारे नहीं आ सकते, वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, हम उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते, वो बेचारे कहां अमेरिका के साइंसदानों से ऑब्जर्वेटरी के माहिरीन से अपने मामला पूछने आएंगे हिसाब। वो अपने अपने जहां हैं, अल्लाह ताला ने सब दिन आसान कर दिए, वहां अमल कर रहे हैं। कहना ये है कि आज भी दुनिया का जो कानून बनता है पार्लियामेंट में, वो भी मेजोरिटी का लिहाज करके बनता है, बाज का लिहाज करके कानून नहीं बनता। शरीयत भी जो अहकाम नाजिल करती है वो मेजोरिटी का लिहाज करती है, बाज का लिहाज नहीं करती। बस बाज भाइयों का, बाज माहिरीन हिसाब का ये कहना कि अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब हम चांद के माहिर हिसाब के माहिर हो गए हैं, ये उनका कहना सही नहीं। बेशक वो माहिर हैं, हम उनकी महारत का इनकार नहीं करते, बेशक वो माहिर हैं, लेकिन शरीयत ने उस हिसाब पर मदार रखा ही नहीं। किस्सा खत्म। दूसरी बात सुनो, मुझे बहुत से बंदों से जो दावा करते हैं कि हमें इसी हिसाब के हम माहिरीन हैं, बर्तानिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं, और मैं यूके में 1986 से आता हूं, और बर्तानिया के सभी माहिरीन से मेरे ताल्लुकात हैं जो उलमा दावा कर, मैंने उन सब से कहा, मैंने कहा मैं एक मुअय्यन तारीख तुम्हें बताता हूं,
तो मुझे उस मुअय्यन तारीख में तुम मुझे बता सकते हो अपने हिसाब से कि इस वक्त चांद सूरज से कितने फासले पर है, अपना हिसाब से तुम बता सकते हो? आज तक मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जो कहेगा हाँ मैं बता सकता हूं। सब ऑब्जर्वेटरी से चार्ट मंगवाते हैं। ये जो गैर मुस्लिमों की यहूद और नसारा की जो ऑब्जर्वेटरी है वहां से चार्ट मंगवाते हैं और उसी चार्ट पर तकिया ईमान ला करके वो बताते रहते हैं अब इतना चांद है, अब इतना न्यून होना, अब इतना हो। उनके पास कुछ भी हिसाब नहीं, एक भी नहीं जानता। मैं तो सबसे मिला हूं, मैंने कहा तो, मैंने उनसे कहा देखो हिसाब का नाम उस दिन लीजियो जब तुम हिसाब के खुद माहिर हो जाओ। ये जो गैर मुस्लिम ऑब्जर्वेटरी से जो तुम्हें चार्ट मंगवा कर तुम उस पर जो हिसाब बता रहे, इनको गैर मुस्लिमों का क्या एतबार है? तुम खुद हिसाब लगाकर बताओ, मैं एक तारीख बताऊं उस तारीख में मुझे बताओ हिसाब लगाकर कि इस वक्त में चांद और सूरज से इतना फासला हो रहा है, तो तुम पूरे राउंड का फासला में हिसाब कर सकते हो। और तुम एक मुअय्यन दिन का हिसाब नहीं कर सकते, कैसे हिसाब करोगे? मैंने भी दारुल देवबंद में इस फन की 5 किताबें पढ़ी, देवबंद में इस फन की 5 किताबें पढ़ी, मैंने इस फन की 5 किताबें पढ़ी है। और उन किताबों में सूरज के अहकाम है, चांद के नहीं। आज आप किसी वक्त आप कहें कि बताओ जमीन से सूरज कितना ऊपर आया है, मैं अपना उस्तुल लाभ लेकर मैदान में खड़ा होऊंगा, 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि सूरज इतना ऊपर आया है। वो फन मैंने पढ़ रखा है, लेकिन चांद का फन हमने भी नहीं पढ़ा। हमारी जो 5 किताबें हमारे दारुलों में पढ़ाई जाती है उनमें चांद का हिसाब नहीं था। तो मैंने कहा, दूसरी बात मैंने ये कही, ये सब दावे करते हैं, वो दावे कैसे हैं? ढोल बजाते हैं, डब 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 डब, अंदर खाली कुछ भी नहीं। ये सब जो माहिरीन दावे करते हैं उनके सब दावे ऐसे हैं और कोई नहीं जानता इनमें से फन को। सब इन ऑब्जर्वेटरी से चार्ट मंगवा करके उसी पर कूदते उछलते हैं। हमारे पास मीरठ है, मीरठ के एक डॉक्टर इलियास है, बड़े आदमी, मलेशिया यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वेटरी के प्रोफेसर है और उन्होंने अंग्रेजी में पूरी किताब लिखी है चांद के मसले पर और सूरज के मसले पर, कैलेंडरों के मसले पर, वो छपी हुई है। अपने वतन आते हैं, मेरे पास एक मरतबा है, मेरे उनसे ताल्लुक है। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब आपने सूरज का कैलेंडर बनाया तो मैं भी बना सकता हूं, चांद का कैलेंडर कोई आप बना सकते हो ऐसा कि जिसमें उसके खिलाफ कभी ना हो? जैसे आप सूरज का कैलेंडर बनाते हैं, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूरज निकलेगा, हमेशा ऐसा ही निकलता है। चांद का कैलेंडर आप खुद बना सकते हैं? कहने लगे, मैं तो नहीं बना सकता, हम तो लंदन से ऑब्जर्वेटरी से चार्ट मंगवाते हैं। उन्होंने खुद मेरे साथ जो प्रोफेसर है इसका, इसको किताब लिखी है, उसने कहा हम नहीं जानते हिसाब तो, हम तो अब लंदन से ऑब्जर्वेटरी से चार्ट मंगवाते हैं, वो जो भेजते हैं उसी पर हम हिसाब फैलाते हैं। बहरहाल छोड़ो इस किस्से को, कोई माहिर है या नहीं है छोड़ो इस किस्से को, अगर माहिर है भी तो मदार अहकाम का उस हिसाब पर नहीं है। न सूरज के जो मामला सूरज के साथ मुताल्लिक है उसका मदार भी हिसाब पर नहीं है, आंख से देखने पर है, और जो मामला चांद से मुताल्लिक है उनका भी मदार आंख से देखने पर है, हिसाब का मदार ही नहीं है। क्यों? उम्मत की मेजोरिटी हिसाब किताब जानने वाली नहीं, साइंस पढ़ी हुई नहीं है, कुरान पढ़ी हुई चाहे हो, नाजरा दीनी किताबें पढ़ती हो, लेकिन ये तो कुरान और हदीस के मसाइल नहीं, तो साइंस के मसाइल हैं। उम्मत की मेजोरिटी साइंस पढ़ी हुई नहीं है। बस दीन के मसाइल ऐसी चीज पर डिपेंड करना जिस पर पूरी उम्मत अमल न कर सके, शरीयत का जो मिजाज है दीन आसान है उस मिजाज के खिलाफ है, इसलिए शरीयत ने उस पर मदार रखा ही नहीं। फिर आयत करीमा को एक नजर फिर डालो। आयत करीमा ने कहा आप जवाब दीजिए कि जो नए महीने के चांद, नए महीने का चांद नहीं, अगर का कहेंगे तो फिर तो मुफरद हो जाएगा, प्लूरल जमा, नए नए महीने के चांद
इसलिए हैं ताकि लोगों के लिए औकात मुकर्रर करें। इसमें साफ इशारा है कि मदार आंख से देखने पर है, और आंख से पहले महीने का पहला चांद आंख से देखकर पूरी दुनिया में एक हो नहीं सकता। बस लामहाला चांद का महीना पूरी दुनिया में अलग अलग शुरू होगा। जहां जब चांद नजर आएगा वहां वो महीना शुरू हो गया। बस सिर्फ हज एक ऐसी चीज है कि उसने सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने चांद की खमरी तारीखें छोड़कर मक्का की खमरी तारीख के एतबार से एक मुअय्यन दिन में आकर हज करना होगा। मेरे भाइयों, 19 देखो, बहुत अहम खास बात अर्ज कर रहा हूं, और ये बात मैंने मेरी तिर्मिजी शरीफ की जो तकरीर है तोहफतुल अहवली उसमें लिख भी दी है, छप भी गई है, सारी दुनिया में फैल भी चुकी है। 1973 या 74 या इस दरमियान का किस्सा है। उस वक्त मैं देवबंद में मुदरिस होकर नहीं गया था, सूरत में रामदेर एकम बस्ती थी वहां मुदरिस था। मैं 1974 में देवबंद मुदरिस होकर गया हूं, और ये किस्सा 72 या 73 का है। मक्का मुकर्रमा में एक हुकूमत का इदारा है, राबिता आलम इस्लामी, उसके मेंबरान पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा हैं। इस वक्त दारुल देवबंद के जो मुहतमिम हैं वो भी उसके मेंबर हैं। 1972-73 में हिंदुस्तान से मेंबर थे हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों मेंबर थे। रात्रि के इजलास में गए, उस इजलास में जो एजेंडा था उसमें मसला नहीं, और कॉन्फ्रेंस में बाद मसले एजेंडे के बगैर भी आ जाते हैं, भाई इजाजत सदर आ जाते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में तौहीद अहिल्ला का मसला उन्होंने बहस के लिए रख दिया। तौहीद अहिल्ला यानी जो महीने के नए चांद हैं ये पूरी दुनिया का एक, ये मसला उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रख दिया। तौहीद माने एक, और अहिल्ला हुई हिलाल की जमा। ये जो सारी दुनिया में अलग अलग हिलाल होते हैं, और सारी दुनिया में जो चांद की तारीखें अलग अलग होती हैं और चांद के महीने अलग अलग शुरू होते हैं, ये सिस्टम खत्म, और पूरी दुनिया में चांद की तारीखें एक, ये मतलब है तौहीद अहिल्ला का। क्योंकि पहले से एजेंडे में हो तो मिंबरान मसले पर तैयारी करके आए, मुस्बत या मनफी जहन बना कर आए, ये पहले से एजेंडे में नहीं, अचानक मसला रखा, और वो राबता जो है ये हुकूमती इदारा है, और ये मसला उसने रखा है। दुनिया के तमाम मिंबरान ने जहां से भी आए हुए थे, हत्ता के सऊदीया के मिंबरान ने भी रिजेक्ट कर दिया कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, उसे रिजेक्ट कर दिया। कुरान करीम की तो ये आयत है, इसमें अहिल्ला हिलाल की जमा इस्तेमाल की गई, और मवाकी तो लिन्नास कहा गया और हज को अलग किया गया है। मालूम हुआ कि तौहीद अहिल्ला अगर होगी तो हज के मसले में होगी, हज के मामले में सारी दुनिया की एक ही तारीख होगी, हज के अलावा बाकी तमाम मामलात में सारी दुनिया की एक तारीख मुमकिन ही नहीं, शरीयत कुरान के खिलाफ है। अगर सारी दुनिया में हर मामले में चांद की तारीख एक होती तो फिर वल हज को अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी। और हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अनपढ़ है, हिसाब किताब नहीं पढ़ी हुई, साइंस और ऑब्जर्वेटिव पढ़ी हुई नहीं है, लिहाजा रमजान का मदार है सूमू ले रुयती ही व अफ्तिरू ले रुयती ही। चांद नजर आए रमजान के रोजे शुरू करो, और अगला शव्वाल का चांद नजर आए रमजान के रोजे बंद करो।
चांद 29 को भी नजर आता है, 30 को भी नजर आता है। हुजूर ने फरमाया 29 को नजर आए सुभान अल्लाह, ना आए तो 30 दिन पूरे करके अगला महीना शुरू कर दो, अब देखने की जरूरत नहीं। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि मदार शरीयत में चांद के देखने की जरूरत नहीं। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि मदार शरीयत में चांद के देखने पर है। तो तमाम मिंबरान ने इस तजवीज को रद्द कर दिया कि तौहीद अहिल्ला पूरी दुनिया का एक मुल हो ही नहीं सकता कुरान और हदीस के खिलाफ। पूरी दुनिया का एक मून किस तरह से बनाया जाएगा? न्यू मून का एतबार कर लो तो सारी दुनिया का एक मून हो गया। सारी दुनिया का एक मून करने की एक ही सूरत है कि आप चांद को आंख से देखने का मसला खत्म कर दें और न्यू मून का एतबार कर लो, सारी दुनिया में एक साथ हो गए। देखो सूरज जैसे मशरिक से मगरिब की तरफ जाकर डूबता है, चांद भी मशरिक से मगरिब की तरफ डूबता है, 24 घंटे में एक राउंड लेता है। इस झगड़े को छोड़ो कि जमीन घूमती है, चांद घूमता है, सूरज घूमता है, झगड़े को छोड़ो। सूरज भी मशरिक से मगरिब तरफ जाता है, चांद भी मशरिक से मगरिब की तरफ जाता है। चांद की एक दूसरी चाल है, वो मशरिक से मगरिब की तरफ भी जाता है और साथ साथ मगरिब से मशरिक की तरफ उल्टा भी चलता है। कैसे ये दो अजीब चाले, यूं भी जा रहा है और यूं भी जा रहा है, ऐसा भी अल्लाह के यहाँ कुछ मुश्किल नहीं। देखो गेंद रखो, लात मारो तो गेंद दीवार की तरफ जाएगी, तो यहां से दीवार की तरफ भी जा रही है और गेंद गोल भी घूमती घूमती जा रही है, तो दो चाले करता है। गेंद में दो चाले इकट्ठा है, जब किक करोगे लात मारोगे गेंद जाएगी तो यहां से लंबाई की तरफ भी जा रही है और वो गेंद अपने मेहवर पर घूमती घूमती जा रही है। तो हमारे लात मारने से दो चाले इकट्ठा हो सकती है, अल्लाह की कुदरत में दो चाले नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने इसकी दो चालें रखी, एक मशरिक से मगरिब की तरफ 24 घंटे में एक राउंड लेता है और एक मगरिब से मशरिक की तरफ चलता है, वो 24 घंटे में 23 डिग्री चलता है और 29 दिन में वो एक राउंड लेता है। जब ये देखो मेरे भाइयों, जैसे हमारी जमीन हमेशा आधी जमीन रोशन रहती है, आधी जमीन रात रहती है। इस वक्त यहाँ रात हो गई तो दूसरी तरफ की आधी जमीन चाइना में दिन शुरू हो गया और जब इंडिया में और मलेशिया में रात हो जाएगी यहाँ दिन आ जाएगा। तो आधा जमीन का आधा पूरा जो सूरज की तरफ रहता है उसमें धूप रहती, दूसरा जो साया रहता है, यही हाल चांद का भी। उसका भी आधा चांद हमेशा सूरज के सामने जो रहेगा वो रोशन रहेगा, दूसरी तरफ का अंधेरा रहेगा। तो इस मामले में तो जमीन और चांद यकसा है और हम जो जमीन पर से देखते हैं तो सूरज की तरफ का जो चांद का आधा हिस्सा रोशन है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा हमें नजर ना आए तो ये मुहाक है। फिर जब उसका जाविया बदलता है तो एक वो आधा हिस्सा जो रोशन है उसका एक किनारा नजर आने, जमीन पर से एक किनारा नजर आने लगता है, ये वो हिलाल है। फिर वो जाविया बदलता रहता है और हर दिन का चांद बड़ा होता रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो सूरज के मुकाबला आधा है वो सारा हम जमीन पर से देखते हैं, तो बदले कामिल फुल मून हो जाता है। फिर उसका जाविया बदलता है तो फिर कटने लगता है, वो कटता वटता कुछ नहीं, वो आधा तो हमेशा सूरज के मुकाबिल होने की वजह से रोशन होता है मगर जमीन पर से हमारा देखने का जो जाविया है वो जाविया बदलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि हम जमीन पर हैं और चांद सूरज और जमीन के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है तो आधा हिस्सा रोशन उस तरफ रह जाता है, हमारी तरफ से सारा काला है। ये जमाना है मुहाक। फिर जब
वो चांद सूरज के बिल्कुल मुकाबिल था, वहां से मशरिक की तरफ हटा और हटकर सारा निकल गया। हटेगा तो मैं थोड़ा किनारा हटेगा थोड़ा, यूं भी दोनों जा रहे हैं, सूरज और चांद यूं भी जा रहे हैं, और वो चांद जो यूं हट रहा है तो सूरज से हटता हटता जब सारा चांद सूरज के मुकाबले से निकल गया, ये हो गया नया चांद, पैदा हो गया न्यू मून ये। लेकिन अभी जो उसका वो जाविया है वो इतना बारीक होता है कि जमीन से उसके देखने का इम्कान नहीं रहता है, विजिबिलिटी नहीं होती। जब सूरज से कम 12 डिग्री पीछे हो जाए या उससे ज्यादा आगे पीछे हो जाए तो फिर जा करके जमीन पर से वो जो पतली कमान रोशन जाहिर होती है वो जमीन पर से नजर आ सकती है, उससे पहले नजर नहीं आती। इसमें 1.5-2 दिन लग जाते हैं। जब इधर से मगरिब की तरफ से सूरज के करीब हो गया अब वो नजर आना बंद हो गया, फिर बिल्कुल मुकाबिल हो गया, मुहाक हो गया, फिर सारा इधर निकल गया, न्यू मून हो गया, फिर 12 डिग्री हट करने के बाद ही नजर आएगा, इस दरमियान में 2-2.5 दिन नजर नहीं आएगा। तो ये जो पूरा चांद सूरज के मुकाबले से निकल गया ये न्यू मून, इसका एतबार कर लो कि चांद नया पैदा हो गया, सूरज के मुकाबले से निकल गया, अब पहली तारीख हो गई पूरी दुनिया में चांद की पहली तारीख। तौहीद अहिल्ला की यही शक्ल है और कोई शक्ल नहीं, कि आंख से चांद के देखने पर मदार न रखा जाए, सारा मदार रख दिया जाए चांद की पैदाइश पर, और चांद की पैदाइश पर ऐलान कर दिया भाई नया चांद हो गया, सारी दुनिया की तारीख तारीख है, नया चांद की तारीख शुरू हो गई। ये तजवीज पेश की थी राब्ते के इजलास में, लेकिन सारी दुनिया के तमाम उलमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, खत्म हुई बात। वहां से कॉन्फ्रेंस में से जब ये दो हजरात हिंदुस्तान के मेंबरान जो गए हुए थे वो वापस लौटे, उस जमाने में दिल्ली से फ्लाइट नहीं होती थी, बॉम्बे से सब फ्लाइटें चलती थी, तो वो बॉम्बे उतरे और हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह सूरत आए, मुझे तबलीगी दौरे होते हैं सूरत आए। मैं उससे पहले मेरे मजामिन में राइटर था, मजामिन लिखता था और उनके यहाँ से मंथली अलफुरकान निकलता था, उसमें मेरे मजामिन छपते रहते थे, ये मेरे उनके मामला जान पहचान थी। तो हजरत रामदेव आए और उन्होंने ये सब मुझे तफसील सुनाई और ये कहा कि बहुत खतरनाक स्कीम शुरू हुई। मौलाना मंजूर नौमानी ने कहा कि बहुत खतरनाक स्कीम सऊदिया ने शुरू की है और बगैर एजेंडे के अचानक ये मसला खड़ा कर दिया ताकि बेखबरी में पास करवा दिया जाए, लेकिन कहा उलमा ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, मगर मुझे ये मौलाना के अल्फाज है, मगर मुझे ये अंदेशा है कि ये फितना रुकेगा नहीं, लिहाजा इस मसले पर मजमून लिखने चाहिए इससे पहले कि फितना बहुत बड़ा बन जाए, इससे पहले इस मसले पर मजामिन आने चाहिए। चुनांचे मैंने उसी जमाने में एक लंबा मजमून लिखा है और वो अलफुरकान में 2 किस्तों में छपा है और उसमें कुरान और हदीस की वो आयतें और हदीसें जिनसे हिसाब पर मदार नहीं रखा जा सकता है, चांद आंख से देखने पर ही शरीयत में मदार रहेगा, वो सब दलाइल जमा किए हैं और वो उसी जमाने में अलफुरकान में मेरा मजमून वो छप चुका है। मगर फिर क्या हुआ, सऊदिया खामोश, आगे उसने छेड़ा ही नहीं मसला, खामोश हो गया, आगे मसला छेड़ा ही नहीं। मगर कुछ वक्त से उसको चांद सारी दुनिया से 24 घंटे पहले ही नजर आ जाते हैं। वो साल है कि 40 साल होने आए हैं इसको, उस वक्त से उसको पूरी दुनिया से 24 घंटे पहले चांद नजर आ जाता है और बाकायदा अखबारों में छपता है शहीदा शाहिदा ने इंदा काबी फुलानिन, फुला खाजी के पास में 2 गवाहों ने गवाही दी, बस 2 ही गवाह मिलते हैं, 3 कभी नहीं मिलते। और सऊदिया का मतला तो साफ होता है, सऊदिया का मतला तो साफ होता, कभी रुए काम मानी उसी। और इस साल तो अजीबो गरीब चक्कर हुआ।
और इस साल तो अजीबो गरीब चक्कर हुआ। मदीना मुनव्वरा में एक मौलाना इस्माइल बदात हैं, हमारे हजरत शेख के खलीफा हैं मौलाना जकरिया साहब के, और एक मौलाना मोहम्मद अली मनियार है सूरत के, वो भी मौलवी हैं। मौलाना मोहम्मद अली मनियार का फोन आया लंदन में एक साहब के पास कि फजर के बाद सूरज निकलने से पहले दोनों ने चांद देखा तुलू होता हुआ, सूरज से पहले चांद निकला और शाम को सऊदिया ने ऐलान कर दिया चांद रमजान का हो गया। ये इस साल का किस्सा है कि इधर तो सूरज निकलने से पहले इन दोनों खलीफा हैं बड़े बुजुर्गों के, उन दोनों ने चांद देखा और शाम को सऊदिया ने ऐलान कर दिया रमजान की 29 हो गई, चांद नजर आ गया, शहीदा शाहिदा ने इंदा काबी फुला ने, ये सिलसिला वहां से चल रहा है। 1973 और 1974 से ये सिलसिला जो मैंने इसका बैकग्राउंड बनाया वहां से, करता वही है जो उस वक्त से उसने प्लान बनाया था, मगर दुनिया के मुसलमान उसे मानेंगे नहीं, तो हाथी दिखाता दांत और है, खाने के दांत और है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सऊदिया वाले मुसलमान नहीं है, झूठ बोलते हैं। उसका जवाब ये है कि देखो ये कॉमन सेंस का मसला है, किसी के अकल पर पत्थर पड़े हों तो हम नहीं समझा सकते उसे, लेकिन कॉमन सेंस का मसला है कि ईस्ट में जब भी चांद होगा तो वेस्ट में डेफिनेटली दिखेगा। कॉमन सेंस का मसला है, कोई लंबा चौड़ा मसला थोड़ी। और आप देखते हैं कि सऊदी या चांद के देखने का ऐलान करता है, अगर वो साफ कह दे कि हम न्यू मून पर हम ऐलान करते हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं दुनिया में, जिसको मानना हो माने, ना मानना ना माने। लेकिन वो कहता है दो आदमी ने चांद देखा और फला काजी के पास गवाही दी, उसके 2.5 घंटे के बाद अफ्रीका में सूरज गुरूब होता है, पूरा बर्रे आजम अफ्रीका, नॉर्थ कनारा है मराकश, साउथ कनारा है साउथ अफ्रीका, कितने 45 मुल्क है बर्रे आजम अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका के किसी मुसलमान को वो चांद नजर नहीं आता। सऊदिया वाले मुसलमान हैं तो ये अफ्रीका वाले मुसलमान अंधे? वो कहते भी सऊदिया वाले मुसलमान नहीं है मुसलमान, ये अफ्रीका वाले अंधे हैं। चलो यहां से उसके बाद अमेरिका आता है, अमेरिका का डिस्टेंस कितना है इस मशरिकी किनारे से मगरीबी किनारे तक, कैलिफोर्निया तक 7-8 घंटे की फ्लाइट है, और बर्रे आजम नॉर्थ से लेकर साउथ से पूरा बर्रे आजम अमेरिका है, यहाँ किसी मुसलमान को नजर नहीं आता। तो सऊदिया में दो आदमी को नजर आ गया तो ये सारे अमेरिका के मुसलमान अंधे हैं? बल्कि बाज मरतबा तो ऐसा हुआ कि पूरे राउंड में कहीं नजर नहीं आता। इस साल जो चांद रमजान का सऊदिया ने ऐलान किया कि चांद दो आदमियों ने देखा, वो चांद पूरे अफ्रीका में किसी मुसलमान को नजर नहीं आया, पूरे अमेरिका में किसी को नजर नहीं आया, चाइना में नजर नहीं आया, मलेशिया में नजर नहीं आया, इंडिया में नजर नहीं आया, वेस्ट इंडिया में नजर आया, गुजरात की जो पट्टी है वेस्ट इंडिया वहां नजर आया, और वहां से जो नजर आना शुरू हुआ तो पूरे राउंड में सब जगह नजर आ, और सऊदिया का देखा हुआ चांद पूरे राउंड में गुजरात तक कहीं नजर ही नहीं आया, तो क्या ये दुनिया के सारे मुसलमान अंधे? मेरे भाइयों, हम नहीं कहते कि सऊदिया झूठ बोलता, हम क्यों कहते? हमारे मुकाबले कुत्ते ने काटा है जो हम ये कहें, हमें नहीं कहते, लेकिन डाउटफुल तो उसका चांद देखना है ही, उसका चांद देखना डाउटफुल तो मानना ही पड़ेगा। और शरीयत का हुक्म क्या है जानते हो? हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका फइन सिदक तमानी तुमा नीनतुन बल्कि वरीबतुन। हुजूर ने फरमाया खटक वाली बात छोड़ो और बेखटक बात ले लो, दा मा युरीबुका छोड़ उस बात को जो तेरे दिल में खटक पैदा करती है, इला मा ला युरीबुका जा उस बात की तरफ जो तेरे दिल में
कोई खटक नहीं पैदा करती, यानी बेखटक बात लो, खटक वाली बात छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल एक मामला है, उस मामले में आप झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लें, लेकिन दिल आपका बेचैन रहेगा। और आप उसी मामले में खरी बात सच बोल रहे हैं और अपना चार पैसे का नुकसान कर ले, आपके पल में कोई इत्मीनान रहेगा। ठीक है, चार पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन दिल को सुकून है। उसने फरमा, देखो सच तुम्हारी नत है और झूठ खटक वाली बात है। अब कोई भी मामला ले लो, पुलिस के हाथ में फंस गए, आदमी झूठ बोल करके उल्लू सीधा कर लेता है, पुलिस के हाथ से बच जाता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा खटक रहेगी अगर वो मोमिन है तो। और सच बोलेगा तो चाहे उसका कुछ नुकसान हो जाए, उसका दिल मुतमईन है कि मैंने सच कहा, चाहे नुकसान हो। और मिसाल लो, यहाँ तो मालूम नहीं ये कंट्री का क्या हाल है, मुझे नहीं मालूम, ये मिसाल मैं इंग्लैंड में दिया करता हूँ। कुछ लोग हैं जो झूठ बोलकर वो डिजेबल बन जाते हैं, वेलफेयर गवर्नमेंट से लेकर खाते हैं। यहाँ मुझे नहीं मालूम इस मुल्क का क्या हाल, मुझे नहीं मालूम, ये जो झूठ बोलकर गवर्नमेंट से वेलफेयर लेते हैं उनके दिल को चीर कर देखो, हमेशा दिल के अंदर परेशान रहेंगे। और चाहे कितने ही पैसे बक्सों में इकट्ठा हो जाए, वो फकीर के फकीर ही रहेंगे। ये जो झूठ बोलकर वेलफेयर खाने वाले हैं वो हमेशा फकीर के फकीर ही रहेंगे, उनके कल्ब को घृणा और बेनियाजी हासिल ही नहीं हो। देखो यहाँ एक गलती नहीं होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट ने पब्लिक को राइट्स दिए, कभी 65 साल हो जाओ चलो वेलफेयर लो, ये जो गवर्नमेंट के दिए हुए राइट्स हैं वो राइट्स जरूर लो, उसे न छोड़ो, तमाम कवानीन मालूम रखो, क्या कवानीन है। गैर नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट से वो अपना चीजें वसूल करते हैं, मुसलमान भोला भाला उसको पता ही नहीं कानून का, नहीं वो तो वसूल करो। लेकिन ये जो खामखा डिजेबल बन जाता है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बनावटी डिजेबल बने और अल्लाह ने उनको हकीकी डिजेबल बना दिया, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं बहुत से। तो वो हदीस में मिसाल दी, क्या सिद्ध को तुमानीनतुन बल्कि वो रीबतुन, सच बोलने से दिल को सुकून मिलता है, झूठ बोलने से दिल परेशान रहता है। इसी तरीके से किसी भी मामले में सऊदिया, हम झूठ नहीं कहते लेकिन डाउटफुल तो है ही, डाउटफुल तो कहना ही पड़ेगा, और शरीयत का हुक्म ये हदीस में है कि डाउटफुल को ट्रुथफुल बना लो। क्यों डाउटफुल पर अमल करो, उसे ट्रुथफुल बनाओ। मसला इतना ही है, हम नहीं कहते वो सच है झूठ है, डाउटफुल है, हम डाउटफुल पर हम नहीं जाते, हम तो ट्रुथफुल पर अमल करें। ट्रुथफुल क्या है, हदीसों में ये है कि हर जगह के हर कंट्री की उसी जगह की रुयत पर रमजान शुरू होगा, रमजान पर खत्म होगा। और अगर कोई ऐसा मुल्क है कि वहां साल के 10 महीने क्लाउडी आसमान रहता है, नजर ही नहीं आता, तो फिर वो नेबर कंट्री का एतबार करेगा, वो नेबर कंट्री का एतबार करेगा। और अगर कभी कभी आसमान क्लाउडी हो जाता है, वो नेबर कंट्री का एतबार नहीं करेगा, वो अपने यहाँ का एतबार करेगा। देखो पूरे हिंदुस्तान ने गुजरात की रुयत नहीं ली, इस साल गुजरात में चांद देखा गया और ये 29 के एतबार से वहां ईद हुई, पूरे हिंदुस्तान ने वो रुयत नहीं ली। क्यों, वो वेस्ट में, वेस्ट का चांद ईस्ट में नजर ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन ईस्ट का चांद वेस्ट में नजर ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो इस दुनिया का 40 साल से ही अजूबा चल रहा है कि सऊदिया में ईस्ट में चांद नजर आ रहा है, वेस्ट में नजर नहीं आ रहा। बस अगर सऊदिया की रुयत हकीकी होती तो कोई मसला ही दुनिया में न पैदा होता। सऊदिया से वेस्ट में जितनी कंट्री है उसमें तो लामहाला वहां चांद होता, मगर सऊदी ऐसा करता क्यों है, बदगुमानी की बात है। चांद होता मगर सऊदी ऐसा करता क्यों है, बदगुमानी की बात है। दलील कुछ नहीं हमारे पास, बदगुमानी की बात है।
कि ये जो गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट के पास महकमा है, उस महकमा के बड़े तो मुसलमान हैं, लेकिन उनके पीछे जो डोर हिला रहे हैं वो ये हजरत हिला रहे हैं, नसारा ईसाई उनके पीछे डोर हिला रहे हैं। क्योंकि अरब तो माचिस बनाना भी नहीं जानते, अरब तो माचिस बनाना भी नहीं जानते, वो सारा उनके पीछे डोर यही लोग हिला रहे हैं। और इनकी सारी दिलचस्पी इससे है कि मुसलमानों का हज सही तारीफ में ना हो। उनका ये ख्याल है कि हज में इतने इकट्ठा होकर अपने खुदा से मांगते हैं और उनका हाथ ऊपर रहता है, इनका हज बिगाड़ डालो। उनको सारी दिलचस्पी उनकी इससे है। चुनांचे यहाँ जो उन्होंने गेम खेली है रमजान के खत्म पर, इसका असर हज पर जाकर पड़ेगा। उनकी पूरी दिलचस्पी ये है कि हज उनका सही तारीफ पर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वो स्कीम लाए हैं, न्यू मून की स्कीम लाए हैं, लेकिन दुनिया की अकलें इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कुरान और हदीस के खिलाफ बात है, उसे दुनिया कैसे कबूल करेगी। इसलिए ड्राफ्ट सीन कुछ और है, दो गवाह देखते हैं और हर गवाही देते हैं, रुयत आमा कभी नहीं होती है और कोई सारा मुल्क नहीं देखता है, ये सूरत हाल चल रही। और अब तो इंडिया में भी एजेंट पहुंच गए हैं उनके, और इंडिया में भी मसला खड़ा कर दिया कि सऊदी में, अरे वो इंडिया में तो 2.5 घंटे पहले सूरज गुरु होता है, वेस्ट का चांद ईस्ट में कैसे माना जाएगा। नहीं, वहां भी एजेंट आ गए हैं उनके, हिंदुस्तान के अंदर भी मसला खड़ा कर दिया कि सऊदी का एतबार करो। बहरहाल ये एक मसला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दावा करके कि सऊदी रहोगे, हमें क्या जरूरत पड़ेगी किसी को रोंग कहने की। हम तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि डाउट फुल है, और शरीयत का हुक्म है कि ऐसे मामले को जो डाउटफुल है उसे ट्रुथफुल बना करके अमल करना चाहिए। शरीयत इस्लामिया का यही हुक्म है कि अपने यहाँ की रुयत का एतवार करो। फिर ये मसला मैंने बताया कि अगर अपने यहाँ कभी कभी किसी किसी महीने आसमान क्लाउडी हो जाता है तो अपने यहाँ का, दूसरी जगह का एतवार नहीं। और अगर अक्सर बेशतर अपने यहाँ क्लाउडी रहता है जैसे यूके में और यूरोप के मुल्कों के अंदर, तो नेबर कंट्री का एतवार करें। ये उस आयत पाक का शुरू का हिस्सा था। उसके बाद अगला जो हिस्सा है उसे भी पूरा कर लूं ताकि मजमून पूरा हो जाए। इस्लाम से पहले अरबों में ये तरीका था कि जब हज का एहराम बांध लेते थे तो घर के दरवाजे से घर में नहीं आते थे, और घर में तो आना जरूरी है, तो घर के पीछे कोर्ट के मशीनी रखकर वहां से उतर कर आते, दरवाजे से नहीं आते, और घर में तो आना ही है सबको, तो पीछे कोर्ट कर सीढ़ी रखकर वहां से चढ़कर ऊपर से उतर कर घर में आते थे, वहीं से जाते भी थे आते भी थे। जब तक एहराम रहेगा दरवाजे से घर में नहीं आएंगे। देखो ये जूश है, उनके यहां शनिचर को कोई काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और सब करते हैं। यानी अगर बत्ती खुली है और शनिचर शुरू हो गया, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ है और शनिचर शुरू हो गया इसे ऑन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सड़क पर जाएं किसी मुसलमान को बुला कर लाएंगे, जरा बटन ऑन कर दे, जरा हमारा बटन ऑफ कर दे। भाई लंदन की बात कह रहा हूं, लंदन में जिस महल्ले में मैं ठहरता हूँ वो आधा महल्ला जूश का है आधा मुसलमानों का है। जिस महल्ले में मैं ठहरता हूँ आधे मुसलमान आधे जूश है, तो मुसलमानों से उनके ताल्लुकात हैं, मुसलमान उनके यहाँ नौकरियां करते हैं, टैक्सियां चलाते हैं, तो कोई भी सड़क में मुसलमान मिलेगा जरा ऑन कर दे, ऑन कर दे, तो ये कौन सा दिन पर अमल हो, ये तो अल्लाह ने आपको धोखा दिए। ऐसा ही उन्होंने हीला किया था बहुत पुराने जमाने में कि मछलियां शनिचर को खूब आती थी, इनके मुंह में राल टपकती थी और दूसरे 6 दिन मछलियां नहीं आती थी, तो उन्होंने दरिया के किनारे दूर दूर घड़े खोद लिए बड़े बड़े, और समंदर से बूले नालियां कर दी, और जुमा को ये बूले खोल देते थे, शनिचर शुरू होते ही मछलियां आकर के घड़ों में जाती थी तो बीच में मिट्टी डालकर बूले बंद कर देते थे, और बेचारी मछलियां वहां फंस गई, इतवार को पकड़ते थे। इसका जिक्र कुरान करीम में है, इसकी सजा में वो बंदर और खिंजीर बनाए गए। तो ये जैसा वो करते थे अरब भी यही करते थे। जमाने इस्लाम से पहले जमाने जाहिलियत में हज का एहराम बांध लिया, जमाने जाहिलियत के मुशरिकिन भी हज करते थे। हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा है,
अगरचे उनकी शक्लें बिल्कुल बिगाड़ दी थी लेकिन हज था उनके यहाँ। तो जब हज का एहराम बांधते थे तो घर के दरवाजे से घर में नहीं आते थे, घर के पीछे से सीढ़ी से चल कर आते। तो कुरान ने कहा लैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये कौन सा नेकी का काम है कि तुम घर के पीछे से सीढ़ी से चढ़कर घर में आए, ये कोई नेकी का काम नहीं। लैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी का काम ये है कि अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल पैरा हो, उसके खिलाफ वर्जी मत करो। मेरे भाइयों डरना, अल्लाह से डरना ऐसा डरना नहीं है जैसे सांप से शेर से दुश्मन से डरते हैं, ऐसा डरना नहीं। अल्लाह तो वो जात है जिसे मोहब्बत करनी है। कुरान करीम में है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ये जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनको अपनी मूर्तियों से ऐसी मोहब्बत है जैसी अल्लाह से होनी चाहिए, और इसी वजह से तो उनको पूजते हैं। अगर ऐसी मोहब्बत ना होती तो क्यों पूजते। आज हिंदुस्तान का हिंदू राम के नाम पर मरने के लिए तैयार है, जैसे मुसलमान अल्लाह के नाम पर मरने के लिए तैयार है वो राम के नाम पर मरने के लिए तैयार है, जब ही तो राम को पूजते हैं। फिर कुरान ने कहा वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनकी अल्लाह से मोहब्बत इससे कहीं बड़ी हुई, वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह। लिहाजा अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, जैसे इताअत शेआर बेटा बाप से डरता है, मुखलिस तालिबेइल्म उस्ताद से डरता है, अकीदतमंद मुरीद पीर से डरता है। क्या डरता है, बेटा ये सोचता है कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अब्बा नाराज हो जाए, अब्बा नाराज हो गए तो मेरा कहाँ ठिकाना, जन्नत तो माँ बाप के कदमों के नीचे है, और वही नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा। तालिबे इल्म हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखता है कि मैं कोई ऐसा काम न करूं कि उस्ताद नाराज हो जाए, अगर उस्ताद नाराज हो गए तो मुझे जो चार लफ्ज आते हैं वो कहां से आएंगे। मुखलिस अकीदतमंद मुरीद हमेशा सोचता है ऐसा काम मुझे कोई नहीं करना चाहिए, पीर नाराज हो जाए, अगर पीर नाराज हो गया तो अल्लाह से जो मुझे विशाल और वसल नसीब होगा वो तो इस पीर के तू फेल होगा, यही तो अल्लाह तक पहुंचाएगा, और वही नाराज हो गया तो मेरा क्या मुद्दा हासिल होगा। तो जैसे ये मुखलिस इताअत शियार बेटा, मुखलिस तालिबे इल्म अकीदतमंद मुरीद अपना डरते हैं, यानी उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी डरते हैं, उनकी नाराजगी से डरते हैं। ऐसे ही अल्लाह से डरना है कि मोमिन बंदे को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि मौला नाराज हो जाए। अगर हमारा आका मौला मालिक खुदा हमसे नाराज हो गया तो फिर क्या रहा हमारे पास। तो अहकाम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से डरना, अल्लाह को की नाराजगी से डरना, ये मतलब है जगह जगह अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो का ये मतलब है, उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी मत करो। तो कुरान ने मुशरिकीन से कहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी का काम ये है कि तुम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी से डरो। अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया हो कि घर में मत जाओ, एहराम बांधने के बाद घर में मत जाओ, मैदान में पड़े रहो तो मत जाओ, ये क्या बात है दरवाजे से नहीं गए पीछे से घुस गए। अल्लाह ने कहा सनीचर को कोई काम मत करो, मत करो, ये क्या बात है सड़क पर से मुसलमान को बुलाकर बटन ऑन ऑफ करा दिया। तो फरमा वलाकिन बिर्र मन इत्तका वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कहा घरों के दरवाजों से आओ, यानी शरीयत का ये कोई हुक्म है ही नहीं कि अहराम तो फरमा वलाकिन बिर्र मन इत्तका वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कहा घरों के दरवाजों से आओ, यानी शरीयत का ये कोई हुक्म है ही नहीं कि एहराम बांधने के बाद घर में न जाए। देखो आप हजरात को मालूम है कि एहराम बांधने के बाद सर नहीं छुपा सकते, सर पे पगड़ी बांध लो टोपी पहन लो नहीं कर सकते, लेकिन छाता ओढ़ सकते हैं, ऊंट के ऊपर महमल हो तो ऊंट के महमल में बैठ सकते हैं, वो जो ऊपर साया कर रहा है सर वो फासले से, तो जब छाता अम्ब्रेला ओढ़ सकते हैं
तो मकान में दाखिल होकर छत के नीचे क्यों नहीं बैठ सकते? वो ये समझते थे हमारा एहराम हो गया, घर में जाएंगे तो हमारा सर छुपेगा। अरे सर तुम दरवाजे से जाओगे तो भी छुपेगा, पीछे से घुसोगे तो भी छुपेगा। तो कुरान ने कहा ये तुमने खुद हुक्म घड़ा है। बेशक कोई चीज टोपी पहनना, पगड़ी बांधना, ये सर छुपाना एहराम में मना है। लेकिन अगर कोई चीज फासले से है, जैसे अम्ब्रेला है, ऊंट का हौदज है, मकान की छत है, इसके नीचे जाना ये ममनू नहीं है। और तुमने अल्लाह के हुक्म को गलत तरीके पर बढ़ाकर यहां तक पहुंचा दिया कि एहराम की हालत में घर में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते और जाना है कहां रहे तो पीछे से सीढ़ी रखकर अंदर आ रहे हैं। का ये कोई बात नहीं, हमारा शरीर का कोई हुक्म नहीं है, दरवाजों से आओ घरों में, घरों में आने को कहा हमने मना किया। चुनाच आज भी मुसलमान सब एहराम की हालत में कमरों में जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। तो फरमाया वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, नेकी ये है कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने से डरो। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में आओ उनके दरवाजों से। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उसके खिलाफ वर्जी मत करो। अल्लाह ने कहा टोपी मत पहनो, मत पहनो। अल्लाह ने कहा पगड़ी मत बांधो, मत बांधो। लेकिन सर का मसा करने के लिए हाथ यूं किए कि सर ढक गया, इससे अल्लाह ने मना नहीं किया। मसा तो करो, अल्लाह का जो हुक्म है उसका पालन करो, अपनी तरफ से अहकाम बढ़ाओ मत। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। मोमिन की कामयाबी अल्लाह के अहकाम की इताअत में है, अपनी तरफ से अहकाम तजवीज करने में नहीं है। ये अगली आयत का अगला टुकड़ा है, इसमें क्या मजमून है वो मैंने समझा दिया। अब मेरे भाइयों जरा इस पर गौर करो कि पहले मजमून में इस दूसरे मजमून में जोड़ क्या है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा बानमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसा नहीं है। पहला मजमून क्या था कि हिलाल महीने के नए चांद तमाम लोगों के लिए अलग अलग औकात मुकर्रर करेंगे, हज के लिए एक वक्त मुकर्रर करेंगे। उस मजमून में और इसमें फर्क है क्या? जिनमें यह है कि अल्लाह का जो हुक्म है उसको उसी शक्ल में, असली शक्ल में रखकर उस पर अमल करो, यही बिर्र तक्वा है। कामयाबी का राज इसी में है, अपनी तरफ से नए नए शोशे छोड़ना कि अब तो अमरीका के लोग बड़े माहिर हो गए हैं, बड़ा हिसाब जानने लगे हैं, बड़ा ऑब्जर्वेटरी के माहिर हो गए हैं, अब वो आंख से देखने की जरूरत नहीं है, अब हेलीकॉप्टर में उड़कर जाएंगे, प्लेन में जाकर चांद देखेंगे, अब खुर्दबीन से देखेंगे, अब दूरबीन से देखेंगे, अब ये करेंगे। अरे ये सब चक्कर छोड़ो, जो अल्लाह की शरीयत के आसान उस पर अमल करो, कामयाबी उसी में। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ है, पढ़ो दुआ। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. या इलाहा अलआलमीन, हमारी हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी नेकियों में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह दीन के अहकाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नई रोशनी के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया के इल्म के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे जहनों की कजी के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। अरे मेरे मौला, उम्मत को तूने जो, तेरे हबीब ने जो दीन दिया है उस दीन पर हमें मुस्तकीम और मजबूत फरमा, और तेरे असल दीन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अरे मेरे मौला, इस मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला, सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें जालिमों के लिए फितना न बना। अरे मेरे मौला, इस मुल्क के मुसलमानों को नूर हिदायत से मुनवर फरमा। या अल्लाह तमाम दुनिया के इंसानों को इस्लाम के कबूल
करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस्लाम की रोशनी से सबको मुनव्वर फरमा। मेरे मौला हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मगफिरत फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह।